हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 को लेकर के। लेकिन ये काम आप 2007, 2010, 2011, 2013, 2016 या 2019 पे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलिए ये दिखाता हूं आज का वर्क क्या है। ये देख सकते हैं यहां पर चॉकलेट लिखा हुआ है, यहां पे बिस्किट लिखा हुआ है, यहां पे लैपटॉप लिखा हुआ है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं कि अगर हम उसमें चॉकलेट, अगर अगर मान लीजिए कि हम यहां पर चॉकलेट सर्च करें तो केवल चॉकलेट की ही लिस्ट आए, ठीक है। अगर हम यहां पर सर्च करें कुछ और, लाइक सपोज कीजिए यहां पे हम बिस्किट सर्च करें तो केवल बिस्किट की ही लिस्ट आनी चाहिए। तो ये कैसे बनेगा उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सेल पर ऐसा सॉफ्टवेयर कैसे बना पाएंगे उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी डिपेंडेंट कह सकते हैं इसे, डिपेंडेंट। तो क्या करना है आपको, आपको इस डेटा को सेलेक्ट करना है। इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और फिर कंट्रोल की दबा लीजिएगा, कंट्रोल की छोड़ना नहीं है, फिर इसको सेलेक्ट कीजिएगा, फिर इसको सेलेक्ट कीजिएगा और आपको मिलेगा फॉर्मूला टैब। तो फॉर्मूला टैब पे आ जाइएगा और आप यहां पर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है क्रिएट, को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यह क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन दिया हुआ है, आप शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट F3 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप कंट्रोल शिफ्ट F3 प्रेस कीजिए और यहां पर जाने पर ये देखिए ये टिक होना चाहिए इस पे टॉप रो पर, ठीक है। तो चूंकि हम यहाँ पे चॉकलेट बिस्किट और लैपटॉप्स के आधार पर चीजों को सेलेक्ट करेंगे और उसी के हिसाब से आ जाएगा ये, तो इसीलिए टॉप रो को सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूं, एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला बार है। फॉर्मूला बार किधर है, राइट साइड में है और उसके ठीक लेफ्ट साइड में क्या है, नेम बॉक्स है। तो ध्यान रखिएगा नेम बॉक्स फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में होता है। अब यहां पर आते हैं तो अगर मैं चॉकलेट यहां से सेलेक्ट करूं तो चॉकलेट वाली लिस्ट सेलेक्ट हो गई, ठीक है। अगर मैं यहां से बिस्किट सेलेक्ट करता हूं तो बिस्किट वाली लिस्ट सेलेक्ट हो जाएगी और यहां से लैपटॉप सेलेक्ट करूंगा तो लैपटॉप वाली लिस्ट ही आएगी, ठीक है, सेलेक्ट होकर के। तो अभी हम क्या करना चाहते हैं, अभी हम ये चाहते हैं कि यहां पर मैं लिख देता हूं नेम ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा ये लिखा है नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और यहां पर लिख देता हूं टाइप, मतलब किस टाइप का प्रोडक्ट है उसके बारे में यहां पर बात आएगी, ठीक है। तो दो चीजें लिख दी गई हैं, दोनों आपको दिख ही रही हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे, टाइप पे क्लिक रखेंगे, यहां पर एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे। ड्रॉप डाउन कहां से बनता है, डाटा टैब में जाकर। तो डाटा टैब में चलेंगे और यहां से कहां चले जाएंगे, ये आ जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहां से आ जाएंगे और ये आ जाएगा लिस्ट, लिस्ट लेने के बाद यहां पर क्लिक कर दीजिएगा और यही तीनों की तो लिस्ट बनानी है, अगर 4, 5 या 10 हो तो वो भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके कर दीजिएगा। अभी यहां पर करने से होगा क्या, यहां पर आपको तीनों लिस्ट नजर आएंगी, ठीक है। अब देखिए ये लिस्ट तो हो गई, अब हमें आगे क्या करना है, यहां पर आते हैं और यहां पर थोड़ा देख लेते हैं। वापस हमें डाटा टाइप में ही जाना है और हम जाएंगे कहां, डाटा वैलिडेशन पर। डाटा वैलिडेशन पे आ गए, यहां से लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहां पर एक फॉर्मूला यूज करना है इनडायरेक्ट का, इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाइएगा इस तरीके से, ठीक है, इनडायरेक्ट लगा दिया। अब क्या करना है, अब इसी को सेलेक्ट कर लेना है, ये जो दिख रहा है ना इसी को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्या करना है, क्लोज करना है, ठीक है, जैसे अब क्लोज करके ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो यहां पर ड्रॉप डाउन दिखेगी और यहां ड्रॉप डाउन में आपको क्या दिख रहा है जरा मुझे बताइएगा, ये चारों ही लैपटॉप्स की वेराइटी है कि नहीं है। लेनोवो जो कंपनी है वो लैपटॉप बनाती है, एचपी जो कंपनी है वो लैपटॉप बनाती है, डेल जो कंपनी है वो लैपटॉप बनाती है, माइक्रोमैक्स भी लैपटॉप बनाती है। अब थोड़ा यहां पे आते हैं, यहां से मैं चेंज करता हूं, जैसे मान लीजिए लैपटॉप नहीं चॉकलेट की बात आती है तो चॉकलेट सेलेक्ट किया। चलिए ये देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो अब डेयरी मिल्क चॉकलेट बनाती है, किटकैट भी चॉकलेट बनाती है, मंच भी चॉकलेट बनाती है और मेगा बाइट भी चॉकलेट ही बनाती है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे चेंज करता हूँ वापिस, इस बार बिस्किट की बात करते हैं, तो ये बिस्किट सेलेक्ट किया। अब वापिस से यहाँ पे आते हैं तो अभी आप देखेंगे पार्ले जी भी बिस्किट बनाता है, ब्रिटानिया भी बिस्किट बनाता है, सनफीस्ट और क्रैक जैक ये सब बिस्किट ही बनाती है। तो देख सकते हैं ये बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं आप। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी पूरी कि ये कैसे करना है, और इस तरह से सॉफ्टवेयर बनाना आपके लिए एक्सेल में भी काफी आसान हो जाएगा अगर ये ट्रिक सीख लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।